है हरियाणा के जिला सिरसा का गांव गीगोरानी। आज यह गांव एकदम साफ और स्वच्छ है। कुछ समय पहले तक इस गांव में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। बरसों पुरानी आदत के चलते कुछ लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे। एक दिन डीआरडीए सिरसा की संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा करके गंदगी से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में जागरूक किया। गांव वालों ने स्वच्छता के महत्व को समझा और कुछ ने तो अभियान से जुड़ने का मन ही बना लिया। देखते ही देखते स्वच्छता अभियान की लहर पूरे गांव में फैलने लगी। बच्चे निगरानी कमेटी में शामिल होकर इस बात की निगरानी करने लगे कि कोई बाहर शौच ना जाए। जो जाते उन्हें प्यार से समझाया जाता। आप लोगों को बाहर जाने से रोकते थे? कैसे? बाहर मत जाओ, गंदगी फैलती है बाहर जाने से। आप जब लोगों को मना करते थे तो लोग समझ जाते थे? हाँ जी। आराम से? हाँ जी, अच्छी तरह से जी। तो अब कोई नहीं जाता? नहीं जी। कैसा लग रहा है आपको अपना गाँव? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसा लग रहा है अपना गाँव? बहुत अच्छा जी। खुश है आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको अपना गाँव? हमारा गाँव बहुत स्वस्थ है जी। क्यों स्वस्थ है? इन्हीं लोगों के कारण, स्वच्छता अभियान के कारण। पहले बहुत ज़्यादा बुरा था लेकिन अब सुधार हुआ है काफ़ी। पहले बहुत सारे लोग बाहर जाते लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा सहयोग किसका रहा, पुरुषों का, महिलाओं का कि बच्चों का? सभी ने समान सहयोग दिया जी। तब आप अच्छा लग रहा है, आपको खुश है आप? हाँ जी, हम खुश हैं। हमारा गाँव भी स्वच्छ है, पहले से बेहतर है। क्या आपके गाँव में अब खुले में शौच में कोई नहीं जाता? नहीं, कोई नहीं जा, कोई नहीं जा, बंद है सारा। पहले किस तरह की गंदगी हुआ करती थी? पहले बहुत ज़्यादा ही। कितने लोग जाते थे? पहले तो बहुत सारा ही काम जाया करता, कोई आधा आधा पर्दा ही जाया करता, और ईब तो सफाई हो रही है जमा। आज की तारीख में कैसा लग रहा है फिर आपको? बढ़िया बढ़िया, खूब है। अच्छा, आपको लगता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार भी आप ले लेंगे? हाँ, ले लेंगा, ले लेंगा जरूर। यकीन से? हाँ, यकीन से। आज यह गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। सभी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल इनकी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है।